यू डोंट नीड टू लर्न एवरी थिंग इन ऑर्डर टू स्टार्ट. आपके पास स्टार्ट करने का एक पैशन होना चाहिए. आप धीरे धीरे इन वे सीख जाओगे. मुझे भी स्टार्टिंग में माइक्रोबायोलॉजी नहीं आती थी. धीरे धीरे जब सीखना चालू किया तो इंटरेस्ट जागा, तो धीरे धीरे रिसर्च करते गया. इस रिसर्च को एक्चुअली में हम लोग बिजनेस में बदलें. और जितनी भी चीज़ें सीखी हैं NST से सीखूंगा या सैमसंग से सीख के आया हूँ, उसको इंप्लीमेंट करूँ और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाऊँ जो कि इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट कर सकूँ. हाय, मेरा नाम अजीश है और मैं पटना बिहार से रहने वाला हूँ. मैं यहाँ NST RU में बैच ऑफ 2028 CSAI के कोर्स में एनरोल्ड हूँ. सो बेसिकली सैमसंग सॉल्व फॉर टुमारो एक स्टेम कॉन्टेस्ट है, डिज़ाइन थिंकिंग कॉन्टेस्ट है, जहाँ पे आप अपने रिसर्च या फिर अपने प्रोटोटाइप को लेके सैमसंग के टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने प्रेजेंट कर सकते हो और वो आपका बिजनेस पिच होगा जिसपे आपको फर्दर ग्रांट्स मिल सकते हैं. सो बेसिकली बिहार में जितने भी रिवर्स हैं या सीवर्स हैं, सब में वाटर हाइसेंट का प्रॉब्लम है. तो हमारा आइडिया क्या करता है, वाटर हाइसेंट को बायोएथेनॉल में कन्वर्ट करता है. वो वाटर हाइसेंट एक्चुअल में नेचर के लिए बहुत हार्मफुल होता है. तो उसी से मैं इंस्पायर होकर मैंने आइडिया निकाला कि क्यों ना इस हार्मफुल रिसोर्स को मैं एक यूजफुल रिसोर्स जैसे कि बायोएथेनॉल में कन्वर्ट करूँ. और मैंने ये अपना आइडिया सॉइल फॉर टुमारो में पिच किया. सो मैंने अपना रिसर्च क्लास 10th में स्टार्ट कर दिया था. मैंने इस साल अपना आइडिया फाइनली सैमसंग सॉइल फॉर टुमारो में दे दिया था. सो बेसिकली पहले हमने अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पब्लिश किया, उसके बाद फिर हमने जो भी आइडियाज़ थे या जो भी क्वेश्चन थे जो कि एप्लीकेशन पर रिक्वायर्ड थे, हमने उसको फिल करके फॉर्म फिल कर दिया. एंड देन फाइनली आफ्टर वन मंथ वी गॉट अ नोटिफिकेशन दैट वी मेड इट इनटू टॉप 50 इन द इंटायर इंडिया आउट ऑफ 50-60,000 एप्लीकेशंस. एंड देन फाइनल राउंड्स हुए हमारे, जिससे कि मैं टॉप 10 में पहुंचा. सो सबसे पहले तो आपका एक नेशनल राउंड होता है, उसमें से आपका पहले सिलेक्शन होता है जहाँ पे सैमसंग के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके आइडिया को जज करते हैं उनके पैरामीटर्स पे. और अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपको टॉप 50 में भेजते हैं. फिर टॉप 50 में आपकी ट्रेनिंग होती है थोड़ी. उसके बाद फिर आपको एक ऑनलाइन ज्यूरी राउंड देना होता है जिसमें आप टॉप 10 के लिए सिलेक्ट होते हो. और टॉप 10 में फिर आपकी पिच होती है IIT दिल्ली में. अगर ज्यूरी को आपका आइडिया अच्छा लगा तो फिर आप फाइनल नेशनल लेवल्स के लिए पहुंचते हो. इसका रिजल्ट हमें जून में मिल गया था, जिसमें मुझे पता चल गया था कि मैं टॉप 50 में हूँ. फिर उसके बाद हमारी ट्रेनिंग चालू हुई, जिसके बाद हमें अराउंड जुलाई अगस्त के आसपास पता चल गया कि मैं टॉप 20 में आ चुका. अभी 25th अगस्त से 31st अगस्त तक हमारा इनोवेशन वॉक था. एट लास्ट हमने पिच दिया IIT दिल्ली में. सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो कि सॉल्व फॉर टुमारो के लिए रिक्वायर्ड है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग और नेचर के बारे में केयर करना. अगर आप नेचर के बारे में एंथुसियास्टिक हो और आप चाहते हो कि इन्वायरमेंट बढ़िया हो जैसे सैमसंग चाहता है, तो आप इसमें स्टैंड आउट कर सकते हो. सो ऑनलाइन ज्यूरी राउंड के पहले तो हमें कुछ चीज़ें जैसे कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, सोसाइटियल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन हो गया, फिर बिजनेस मॉडलिंग हो गया, MVP, ये सब सिखाया गया. और जब हम टॉप 10 में आ गए थे तब हमें SRI के रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेके गए. तो वहाँ पे हमें डिज़ाइन थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, बिजनेस मॉडलिंग, सर्कुलर इकॉनमी, रीयूजिबिलिटी और सैमसंग कैसे इनिशिएटिव ले रहा है इनको काउंटर करने के लिए, वो सब बताया गया और सिखाया गया. सारे लोग जितने भी मिले थे बेस्ट ऑफ द नेशन थे. फॉर एग्जांपल मेरी जो मेंटर थी वो सैमसंग डिज़ाइन में अराउंड XR डिपार्टमेंट में 11 ईयर्स से काम कर रही है. फिर सैमसंग के इंडिया के CTO से, आपके सैमसंग डिज़ाइन के टीम के हेड से, फिर आपके बाकी जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट है उन सब के हेड से मिल के बात किया. बहुत अच्छा लगा, बहुत इंसाइट्स मिले कि कैसे टेक लैंडस्केप एक्सपैंड कर रहा है, सैमसंग किस फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, हम कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं वगैरह वगैरह. सो देयर वेयर सम रोड ब्लॉक्स दैट वी फेस्ड. तो बेसिकली हमारा स्टेम बैकग्राउंड है पूरा मेरे और मेरे टीममेट का. तो बिजनेस पार्ट में थोड़ा सा इशू हुआ, हमें प्राइसिंग वाइजिंग करना था. तो जब पहली बार मैं कैंपस पे आया तो मैं पहले दिन अनंत सर के पास भाग के गया और मैंने बोला कि सर मुझे हेल्प चाहिए, मैं टॉप 10 में सेलेक्ट हो गया हूँ. तो उन्होंने बोला कि कैसी हेल्प चाहिए बताओ. तो मैंने बोला कि मुझे बिजनेस मॉडलिंग के लिए एक टीचर चाहिए और मुझे गाइड करने के लिए एक मेंटर चाहिए. तो बिजनेस मॉडलिंग के लिए उन्होंने सजेस्ट किया स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के एक टीचर को, जिन्होंने मेरी ओवरऑल बिजनेस मॉडल बनाने में बहुत हेल्प की. मैम ने कुछ फीडबैक दिए जैसे कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल कि लेबर कॉस्ट कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ये सब पता करो. इनफैक्ट मतलब लिटरली उन्होंने बैठ के मेरे साथ बिजनेस मॉडल बनाई मेरी. और अनंत सर ने एक मेंटर भी असाइन किया था जो कि NST पुणे के हैं और वो SIH जीत चुके हैं. तो उन्होंने भी ओवरऑल काफ़ी गाइड किया और इनफैक्ट उनका जो आइडिया था हमारा आइडिया स्लाइड पे वो बहुत पसंद आया सैमसंग मेंटर्स को. सो हमारे आइडिया में एक पार्ट है डीप लर्निंग का, जहाँ पे आपका पूरा मॉडल जो है वो सिमुलेट होगा. तो उसके लिए एक रिग्रेशन मॉडल चाहिए रहता है.
तो द मेन रीजन कि मैंने NST RU ज्वाइन किया क्योंकि इनका AI कोर्स के लिए जो कि थर्ड ईयर से स्टार्ट होगा तो उसमें सारी चीज़ें फ्रॉम बेसिक्स टू एक्सपर्ट लेवल पढ़ाएंगे, तो आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा इस मॉडल को डेवलप करने में। एक बार जब डिग्री खत्म हो जाएगी मेरी, तब मेरा और मेरे फ्रेंड का प्लान है कि इस रिसर्च को एक्चुअली में हम लोग बिजनेस में बदलें, और जितनी भी चीज़ें सीखी हैं NST से सीखूंगा या सैमसंग से सीख के आया हूँ उसको इम्प्लीमेंट करूँ और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाऊँ जो कि इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट कर सके। टेक्निकली आई वुड से यू डोंट नीड टू लाइक लर्न एवरीथिंग इन ऑर्डर टू स्टार्ट। आपके पास स्टार्ट करने का एक पैशन होना चाहिए, आप धीरे धीरे इन वे सीख जाओगे। मुझे भी स्टार्टिंग में माइक्रोबायोलॉजी नहीं आती थी, धीरे धीरे जब सीखना चालू किया तो इंटरेस्ट जागा, तो धीरे धीरे रिसर्च करते गया और एट द एंड सैमसंग टॉप 10 में पहुँच गया। आई वुड से कि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, नए नए लोगों से मिलो, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत ग्रोथ होगी, बहुत कनेक्शंस बनेंगे। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई होप मेरी स्टोरी आप लोगों को इंस्पायर करेगी सैमसंग सॉल्व फॉर टुमारो में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं NST में।